हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पेट विजन। दिस इज साहिल मलिक, यूर होस्ट एंड द योर वेट। तो गाइस, आज की जो वीडियो है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है, बिकॉज गाइस आपको पता है मॉनसून का सीजन चला हुआ है। तो गाइस, मॉनसून के सीजन के अंदर आपको अपने डॉग की स्किन को कैसे प्रोटेक्ट करना है और जो हेयर फॉल हो रही है उसका एक प्रॉपर सोल्यूशन क्या है। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इन पॉइंट्स के बारे में क्लियरली बताऊंगा। मैं आशा करता हूं आप इस वीडियो का एंड तक जरूर देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। देखिए गाइस, एक बात और, अगर आप इन पॉइंट्स तो फॉलो करोगे तब आपका जो डॉग है मॉनसून के अंदर किसी भी स्किन इश्यू से सफर नहीं करेगा, और अगर वो कर भी रहा है तो उसके ट्रीटमेंट में भी ये एक हेल्पफुल प्रूफ होने वाली है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वीडियो है, ठीक है गाइस। सबसे पहले अब हम बात करते हैं गाइस बाथिंग की। तो गाइस, बाथिंग हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि यार गर्मी मॉनसून के अंदर हम अपने डॉग को कितने टाइम बाथिंग दें और कौन सा ऐसा शैंपू यूज करें जो इसको बैक्टीरियल इंफेक्शन, जो फंगल इन्फेक्शन या पैरासिटिक इन्फेक्शन जो होता है उनसे प्रिवेंट करके रखें। तो गाइस, आपको पहला एक डाउट में आपका जो होता है वो है कितनी बार नहलाना चाहिए हमें मॉनसून के अंदर। आपको गाइस हफ्ते में 3 बार अपने डॉग को नहलाना है और ल्यूक वॉर्म वाटर का यूज़ करना है, यानी ठंडे पानी से आपको बिल्कुल भी नहीं नहलाना, जिसे हम बोलते हैं ना गर्म सर्द हो जाती है, आपका जो डॉग है सुस्त पड़ जाता है, खाना नहीं खाता। तो गाइस, आपको ठंडे पानी का यूज़ नहीं करना है, ल्यूक वॉर्म वाटर जिसे हम बॉइल्ड वाटर भी बोलते हैं या जिसे हम उबला हुआ पानी भी कहते हैं, आपको उसका यूज करना है, जिसे हम देसी लैंग्वेज में निवाया भी बोल देते हैं। आपको गाइस ये अप्लाई करना है। आपको अब कौन सा इसमें शैम्पू यूज करना चाहिए गाइस, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कीटोक्लोर शैम्पू के नाम से एक प्रोडक्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा है और गाइस 100% रिजल्ट है इस प्रोडक्ट का, ठीक है। आपको ये कैसे अप्लाई करना है, सबसे पहले तो आप एक क्लीन वाटर से आपको अपने डॉग को नहला देना है, यानी एक जैसे कोट बना लेना है। फिर गाइस आपको 5 से 10 मिनट तक इसका एक कोट बना के रखना है कीटोक्लोर शैम्पू का, जिसे हम फॉर्म बोलते हैं। फिर उसके बाद आपको क्लीन कर देना है, फिर उसके बाद आपको एक वेल क्लीन्ड एक कपड़े से उसको सुखा देना है, या अगर आप अलग से टॉवल रखना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। उसके बाद गाइस अब हम बात करते हैं ग्रूमिंग की, यानी संवारना। हमें गाइस अपने डॉग को मॉनसून के अंदर संवार के रखना होगा, बचा के रखना होगा। आपको गाइस मेन बात मैं ये बता दूं, जो पाज होते हैं यानी जो पंजे होते हैं उनको आपको क्लीन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, दिन में 2 से 3 बार आप जरूर उसे क्लीन करो। और गाइस ग्रूमिंग की अगर हम बात करते हैं, अगर आपके पास स्मॉल ब्रीड है जिसके लार्ज हेयर्स हैं उसके आप हेयर्स को कट करवा दीजिए, बिकॉज गाइस रेनिंग का सीजन है, वहाँ पे स्पॉट डलेगी तो वहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट होगा, बिकॉज ये बैक्टीरिया फंजाई ये पैरासाइट को एक मीडियम मिलेगा। तो गाइस उसके लिए आपको क्या करना है, आपको डेली ग्रूमिंग करनी है, यानी आपको डेली कॉम्बिंग वगैरह करनी है, यानी कॉम्ब करना है, 3 से 4 बार आप कॉम्ब करो अपने डॉग को, अच्छे से उसकी जो रूट होती है जड़ों तक लेके जाओ। अगर गाइस आपके पास एक ड्रायर है तो आप दिन में 3 से 4 बार उसके हेयर्स में ड्रायर कर सकते हो ड्रायर की हेल्प से, यानी उसको अच्छे से रूट के अंदर जाना चाहिए वो, ठीक है, ये बात जरूर ध्यान में रखना। अगर गाइस आपके डॉग को मॉनसून के अंदर टिक्स माइट्स या फ्लीज की प्रॉब्लम है और आप उससे भी बचाना चाहते हो, तो गाइस एक प्रोडक्ट और मार्केट में अवेलेबल है, टिक फ्री पाउडर के नाम से ये प्रोडक्ट आता है। गाइस आपको भी ये 2 से 3 बार अपने डॉग के ऊपर अप्लाई करना है, यानी 1 डे में, ठीक है, एक दिन में आपको 2 से 3 बार अप्लाई करना है। आप सुबह अप्लाई कर सकते हो, आप नून में यानी आफ्टरनून का जो टाइम होता है, दोपहर का जो टाइम होता है उसमें अप्लाई कर सकते हो, और रात को सोने से पहले भी अप्लाई कर सकते हो। याद रखें कि आइस के अंदर, ईयर्स के अंदर और जो नोज वगैरह होती है या जो माउथ होता है उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है गाइस, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और अगर गाइस आपका डॉग एटोपिक डर्मेटाइटिस, जैसा कि आपको स्किन पे दिख रहा होगा कि एटोपिक डर्मेटाइटिस कैसे फैली हुई है, इसको हम डर्मेटाइटिस भी बोलते हैं, तो गाइस ये एक स्किन प्रॉब्लम है। आपको गाइस इससे बचाने के लिए आपके पास एक फर्स्ट एड के तौर पर स्किन लोशन होना चाहिए। अगर आपके डॉग को ये है, आप अपने डॉग को 3 से 4 बार ये अप्लाई करो, यानी पर डे आपको 3 से 4 बार अप्लाई करो। अगर गाइस एक स्पॉट डर्मेटाइटिस है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, यानी किसी एक पार्ट में डर्मेटाइज्म हो रहा है या डर्मेटाइटिस हो रही है, तो उसके ऊपर आप स्किन क्रीम का यूज कर सकते हो। आप 3 से 4 बार ही उसको टॉपिकली यूज कर सकते हो, सिर्फ ये जो क्रीम है उसी पॉइंट पे लगानी है जहां पे डर्मेटाइटिस हुई है। और गाइस एक पॉइंट और आता है कि गाइस इसके अंदर ना हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज गाइस वाटर ऐसा होता है रेनी सीजन का, बहुत ही इन्फेक्ट कर देता है और हेयर फॉल बहुत ज्यादा होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो गाइस मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी आपको बताया था कि स्टारकोट नाम से एक सिरप आती है जिसके अंदर ओमेगा रिच न्यूट्रिएंट्स होते हैं। गाइस मैं स्टारकोट की ऐड नहीं कर रहा हूं, कहीं आप सोच रहे हो कि डॉक्टर साहब ऐड कर रहे हैं, मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मेरे पास भी पेट है, मैं भी उसी का यूज करता हूं स्टारकोट का, और उसका अब एक भी बाल नहीं गिरता। पहले उसके बहुत सारे हेयर्स गिरते थे तो मैंने प्रॉपर टाइम पे उसकी डिवॉर्मिंग की, वैक्सीनेशन तो मैंने पहले ही लगवा ली थी, और फिर मैंने स्टारकोट सिरप स्टार्ट की, अब उसका हेयर फॉल
होना बिल्कुल ही बंद हो गया है। तो गाइज मैं आशा करता हूँ आज की जो हमने वीडियो बनाई है आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो गाइज अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो मैं आपको इतनी बार बोलता हूँ कि मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ पे मुझे मैसेजेस कीजिए और मुझसे बात कीजिए। कई बार गाइज क्या होता है यूट्यूब के अगर आप कमेंट करते हो तो हम आपका रिप्लाई नहीं कर पाते, बट गाइज अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो तो वहाँ रिप्लाई करोगे, वहाँ मैसेज करोगे तो आपको रिप्लाई उसका इमीडिएटली मिलेगा। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच।